गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सबने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है, रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना उतना ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से वो घर का खर्च चला पाते हैं। पर वो लोग रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। पर वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारी लालच और बढ़ने लगती है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हम में लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है, ज़्यादा मेहनत करो ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाए तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास के विषय में जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया, पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपने जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती हैं या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया अपने इस बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चों को मनी को एज ए सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा उन्हें खुद सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए, तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वही जो इसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था, यानी कि जिसे मैं ज़िंदगी में पाना चाहते थे, जिसे हम संभालना चाहते थे, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में बचपन से ही जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा, क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से
बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए और समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं।